जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गर्भ में लड़का होने के लक्षणों के बारे में। आपको देखो, गुलाब के फूल से आप कैसे जान सकते हैं कि आने वाली संतान एक लड़का है या लड़की है। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस कर लें। लड़का और लड़की के लक्षण जानने के लिए देखो, फर्स्ट मंथ से लेकर के थर्ड मंथ के बीच में काफ़ी सारे जो लक्षण हैं अप डाउन होते हैं। काफ़ी सारे लक्षण हैं जो बता देते हैं कि आने वाली संतान एक लड़का है या एक लड़की है। लेकिन आपको नोटिस करना होगा पूरे 9 महीने तक, जैसे हम बता रहे हैं आपको उसी तरीके से आप नोटिस करें। आपको आसानी से आप घर बैठे ही जान सकते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहले देखो आपको क्या देखना है। आपको फर्स्ट मंथ से ही जैसे पता लगता है, फर्स्ट मंथ आपका निकल जाता है, फर्स्ट मंथ से तो पता ही लग पाता है और आपको पता लगता है कि हमारे आने वाली कोई संतान है। इसके बाद ही, तुरंत बाद ही आपको 1 महीने बाद गुलाब का जो फूल होता है, गेंदे का है, गुलाब का है, किसी भी प्रकार का जो फूल है, आप उसके पास जाते हैं और आपको एकदम से बहुत ज़्यादा बदबू मारने लगती है, स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती है। नहीं तो फूल की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना, लेकिन आपको स्मेल आती है, गंदी सुगंध आती है उसकी, और आप एकदम से आपके सिर में दर्द होने लग जाता है इस चीज़ को देख करके। आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो आने वाली संतान है गर्भ में, जो बच्चा पल रहा है, वो एक लड़का है। क्योंकि लड़के के टाइम पर स्ट्रॉन्ग स्मेल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, बर्दाश्त नहीं हो पाती है। वहीं दूसरे लक्षण की बात कर लेते हैं। दूसरा जो लक्षण है वो है मूली। अगर आप पहले से मूली खाना पसंद करते थे और आपको एकदम से मूली खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप बिल्कुल चेंज हो गया, उसकी स्मेल आती है, आपको खाना भी पसंद नहीं है, देखना भी पसंद नहीं है, तो ये आने वाली संतान एक लड़का होने का लक्षण बताता है। और आपको मूली खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो ये एक लड़के होने का पक्का लक्षण दर्शाता है। उसी तरीके से फूल में से अगर बहुत ज़्यादा खुशबू आपको अच्छी लगती है, देखो फूल की खुशबू सभी हर किसी को ही अच्छी लगती है, लेकिन चेंज हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम। अगर उसकी खुशबू आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो लड़का होने का लक्षण है। अगर उसकी खुशबू आपको पहले जैसी ही लगती है, जैसे आपको पहले लगती थी और बाद में भी आपको वैसी ही लग रही है, और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट हो गया उसकी खुशबू में और ज़्यादा सुगंध अच्छी लगती है, तो ये एक लड़के होने का लक्षण माना जाता है। ऐसी स्थिति अगर आपको लगती है, ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम, तो आपको एक लड़का ही पैदा होने वाला है। क्योंकि ये बहुत ही सटीक लक्षण है, बहुत ही ठोस लक्षण है। ऐसी स्थिति में आपने एक बेटे को ही कंसीव किया हुआ है। ये थे 2 लक्षण जो हमने आपके साथ शेयर किए। आप भी इन लक्षणों को आगे शेयर करें, अपने फैमिली परिवार में शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी इसके बारे में जानकारी पा सकें। जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही लिखें।